नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कोटिली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और हम शुरू कर रहे हैं नेमी ऑब्जेक्टिव के हल वन बाई वन। तो सभी सवालों को ध्यान से देखना है, सभी सवालों को ध्यान से समझना है। तो जी मेरे हेल्पर फॉर्म में साइन सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं क्या उपाय बताऊंगा। जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात। देखो कि हम पढ़ रहे थे सवाल और हम सवाल कौन से कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि हम कह रहे हैं नेमी ऑब्जेक्टिव की पुस्तक को हल। नेमी ऑब्जेक्टिव के हर सवाल को बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। आज हम इवनिंग में टाइम निकाल के एनवीएस के लिए भी मैं आपको लेक्चर प्रदान करने की कोशिश करूँगा, एनवीएस के लिए भी, ठीक है जी। चलो टाइमिंग वगैरह अपडेट कर दी जाएगी। चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सब, ओके जी ठीक है। चलो सब हाजिर हो गए हो, अब क्लास शुरू को कर ही देते हैं। आपके सामने सवाल है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। डीसी मिश्रित मतलब डीसी कंपाउंड मोटर कहाँ प्रिफर होती है। सबसे पहले देखो कि हम जानते हैं कि डीसी कंपाउंड के बारे में चर्चा हो रही है, कंपाउंड में दोनों ही मामला है, श्रेणी और संट का योग भी होगा और अंतर भी होगा। कंपाउंड का मतलब होगा जिसके अंदर श्रेणी वाइंडिंग भी होगी और संट वाइंडिंग होगी, उसे कहते हैं कंपाउंड। यदि कंपाउंड हमारे पास संचयी है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड है या डिफरेंशियल कंपाउंड है, डिफरेंशियल को आप क्या कहते हो, विभेदी। यदि संचयी कंपाउंड है तो दोनों वाइंडिंगों का जो फ्लक्स है वो जुड़ जाएगा, विभेदी है तो दोनों वाइंडिंगों का फ्लक्स है वो अंतर हो जाएगा। अब देखो कि श्रेणी की जो खासियत थी वो थी उच्च टॉर्क, अधिक लोड। इसकी खासियत थी नियत गति। अब मुझे ऐसा चाहिए, ज्यादा नियत गति निम्न लोड होता है, ऐसा चाहिए कि आपका लोड भी ज्यादा हो जाए और गति भी नियत रह जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड। चलो लगातार लोड आवश्यकता, नियत गति की आवश्यकता, उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के साथ नियत गति, बिल्कुल अधिक अलग लोड के साथ क्या रहती है, नियत गति, लोड परिवर्तन होने के साथ नियत गति। इसीलिए आप जैसे कम्युलेटिव कंपाउंड उपयोग कहां करते हैं, स्वचालित सीढ़ियां, कई बार लोग ज्यादा चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, कई बार कम रहते हैं, एलिवेटर आप बोलते हैं, एलिवेटर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें अलग अलग लोड होते हैं, कभी लोड एक भी एक आदमी लिफ्ट में बैठा, कभी 10 आदमी है, लेकिन उसकी गति क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए, ये है मामला, ठीक है। चलो तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। गुरु जी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, मैं पिछले काफ़ी दिन से टीम को बोला हूँ लेकिन ऐड नहीं किया है आपको, ऐड तो हम आगे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने तो कोई ग्रुप बनाया नहीं है, कौन से ग्रुप में ऐड करें। अब हमारे ग्रुप कुछ हैं, कुछ स्टूडियो टीम का, उन ग्रुप में ऐड कर दें आप आ जाइए, बाकी हम व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते नहीं हैं भाई, विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार के ग्रुप कोटिले क्लासेस के द्वारा नहीं बनाए हुए हैं। चलो अगला है 102 नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है बताइए भाई, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। आप स्टार्टर को काम में क्यों लेते हैं, स्टार्टर को आप जानते हैं
ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टिव है या रियोस्टेट होता है। परिवर्तित प्रतिरोधक। अब देखो कि हम इसको स्टार्टर को काम क्यों लेते, कारण देखना। आप जानते हैं प्रारंभ में जो प्रतिरोध होगा कम, आर्मेचर का प्रतिरोध तो कम ही है, तो धारा बहुत ज्यादा होगी और विरोध विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल जो होगा प्रारंभ में क्या रहेगा, शून्य रहेगा। इस कारण इसकी गति एकदम से भयंकर हो जाएगी, जिसके कारण वाइंडिंग उखड़ जाती है या ये सही ढंग से नहीं चल पाता है। इसलिए इस धारा को सीमित करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है, अच्छा फील्ड धारा को, आर्मेचर धारा को, आर्मेचर रजिस्टर से तो आर्मेचर धारा हुई, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। यहाँ पर देखो कन्फ्यूज कर रहा है, फील्ड धारा नहीं, आर्मेचर धारा को सीमित करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अच्छा मोटिवेशन आया भाई शिव नारायण कुमार की तरफ से, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ने बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जोरदार भाई, मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ ऊर्जा मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया भाई। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आपको किसका परीक्षण करना है, तो आप कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग का। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार उपयोग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग है जो मशीन है, मशीन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ग्राउलर का, ग्राउलर का। यदि आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध का मापन करना होता तो आप यह दूसरा ऑप्शन देखते हैं, निम्न मान प्रतिरोध होता है। निम्न मान प्रतिरोध का मतलब मान कितना होता है, एक ओम से कम। किसको काम लोगे, एम्पियर मापी, वोल्ट मापी, दूसरा केल्विन ब्रिज, एम्पियर मापी, वोल्ट मापी, दूसरा है केल्विन ब्रिज, और तीसरा कौन सा है, संट प्रकार ओमीटर। ठीक है चलो, तो यहाँ पर तो मल्टीमीटर काम लेते नहीं है, ये मध्य मान के लिए, ओमीटर मध्य मान के लिए, मेगर उच्च मान के लिए, और ग्राउंडर लेंगे। ये दोनों जो काम में लिया जाता है मध्यमान प्रतिरोध के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, उच्च मान प्रतिरोध। उच्च मान प्रतिरोध कितना होता है भाई, 100 किलो ओम से अधिक। मध्यमान प्रतिरोध क्या होता है, एक ओम से 100 किलो। क्लियर है, देख लो। चलो ओके 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 ओके, ठीक है ठीक 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 ठीक, अब जाके शांति हुई है ना। हाँ जी चलो, 104 नंबर क्वेश्चन, तीन पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कोइल को संट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, तीन पॉइंट स्टार्टर के जो होल्डिंग कोइल है उसको संट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, होल्डिंग कोइल होती है उसको तो संट फील्ड के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, और जो स्टार्टर का प्रतिरोध है वो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, कारण बताइए। लोड करंट को सीमित करने के लिए, कम वोल्टेज में मोटर को चलाने के लिए, प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, या उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए।
हाई स्पीड से मोटर की रक्षा करने के लिए किया जाता है। होल्डिंग कोयल को किसे जोड़ते हैं? शंट फील्ड से। कारण क्या होता है कि हाई स्पीड से मोटर की हम क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अरे क्या कमेंट कर रहे हो भाई, बी डी ए क्या आ रहा है ऊपर? क्या है ऑल इंडिया वीडियो? एक मिनट, आईटीआई के बाद मेरे को प्राइवेट कंपनी में जाना है, मेरे को भी नहीं पर कोई भी कंपनी में 2 साल में वापस घर भेज देती है। हमें ये बताइए सर कि कंपनी की क्या विशेषता है जो हमें वहाँ पर परमानेंट रखेगी? वो तो कंपनी में जाओगे तो आपके काम पर निर्भर करेगा, आपका काम अच्छा होगा आपको रख लेगी, नहीं तो 2 साल बाद घर भेज देगी। तो काम पर फोकस कीजिए, आप जीवन में हमेशा परमानेंट रहेंगे, कोई आपको कभी भी घर नहीं भेज सकता। और किसी ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी वो कंधा झुका देते हैं, इसलिए ध्यान रखें, काम पर फोकस करो। चलो अगला सवाल, 105 नंबर, किसी यौगिक मोटर के विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने की सबसे अच्छी विधि क्या है? बताइए भाई, यौगिक मोटर कंपाउंड मोटर की कोई विशेषता नहीं बदलनी है, केवल DOR बदलने की अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चा कह रहा है सर हेल्पर में 2 फॉर्म भर सकता हूँ क्या? जी निश्चित रूप से आप हेल्पर के लिए यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आप 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, जितने आपके पैसे हैं आपके पास उतने सारे पैसों के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मान्य अंतिम वाले होगा, ठीक है? इसलिए कोई गुरेज नहीं है, आप 2 भर सकते हैं, बस मान्य अंतिम वाले होगा, नौकरी एक ही देंगे वो। बताओ 105 नंबर सवाल, DOR बदलने की अच्छी विधि कौन सी है? आर्मेचर की धारा दिशा बदलना है, शंट फील्ड की? तो DOR बदलने की यौगिक मोटर कंपाउंड मोटर आर्मेचर की धारा दिशा बदलना है, तो हमारे पास DOR बदलने की सबसे अच्छी विधि यही है। हाँ जी हाँ, चलो अगला है 106 नंबर सवाल, 3 बिंदु स्टार्टर के क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात है मैं पूछूं NVC की फुल फॉर्म बताइए, तो आप कहेंगे नो वोल्ट कोयल। नो वोल्ट कोयल क्यों लगाते हैं? यदि वोल्टेज नहीं होने पर विचुंबकित कर देती है, विचुंबकित कैसे करेगी? पकड़ को छोड़ देगी। पुनः स्वतः स्टार्ट नहीं करती है, क्लियर? तो बताइए 3 बिंदु स्टार्ट क्षेत्र में श्रृंखला में जुड़े हुए NVC का मुख्य उद्देश्य क्या है? बल आघूर्ण को सुधारने के लिए, फील्ड करंट को कम करने के लिए, बैक EMF को कम करने के लिए, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। देखो वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होने पर विचुंबकित हो जाता है, विचुंबकित हो जाए ऑफ हो जाएगा, फिर पुनः स्वतः स्टार्ट नहीं होगी। यदि खुद सीधी स्वतः स्टार्ट हो जाती तो प्रतिरोध कम होता, धारा का मान बहुत ज़्यादा प्रभावित होता, तो गति में वृद्धि को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड में गति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो अगला भाई, नेक्स्ट, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड? DC मोटर इज यूज फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। हैवी लोड के लिए, सडन एप्लीकेशन के लिए कौन सी DC मोटर का प्रयोग करेंगे? संट श्रेणी, डिफरेंशियल कंपाउंड या कम्युलेटिव कंपाउंड? बताइए भाई 107 नंबर सवाल, जल्दी से बताइए। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार DC मोटर है?
यूज फॉर सडन एप्लीकेशन हैवी लोड। तो देखो कि श्रेणी सेंट विभेदी और कम्युलेटिव, आप क्या करेंगे कम्युलेटिव, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार डीसी मोटर उपयोग किया जाएंगे, तो आप कहेंगे कम्युलेटिव कंपाउंडिंग करेंगे। और उदाहरण आप याद रखने, एलिवेटर होता है, लिफ्ट होता है, वहाँ अचानक लोड आता है तो अचानक भारित होती है, तो हमारे पास कौन सी है मोटर, तो आप कहेंगे संचय यौगिक मोटर। 108 नंबर सवाल आपके सामने, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिश्रण मोटर का मतलब हो गया मिक्सर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, अब ये मिक्सर है। मिक्सर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, आपके वो सामने लगा था यूनिवर्सल है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस प्रकार लगा होता है, तो वो किस से करते हैं, तो आप कहेंगे ये तो वैसे ही होता है जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, पंखे का रेगुलेटर होता है, पंखे का रेगुलेटर की तरह ही होता है, बट जब हम पंखे के रेगुलेटर लगाते हैं उसमें कोयल नहीं होती, केवल प्रतिरोध होता है, केवल क्या होता है प्रतिरोध। जब प्रतिरोध होता है तब वो वोल्टेज को नियंत्रण करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना चीजें, वो किसको नियंत्रण करते हैं, वोल्टेज को नियंत्रण। मिक्सर में क्या गुण है, प्रेरण का, इंडक्शन मोटर है तो हमारे पास इंडक्शन है, तो इसमें गुण क्या है वहां पर, प्रेरण का, प्रेरण होगी तो प्रेरण में क्या होगा, कोइल, कोइल होगा तो आप किसको काम लेंगे, टेपिंग को। तो मिक्सर में क्या होगा, इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर है तो प्रेरण गुण है, प्रेरण गुण में होगी कोइल, कोइल होगी तो आप टेपिंग काम लेंगे, टेपिंग कौन सी होगी, तो फील्ड टेपिंग होगी, तो आप कहेंगे वोल्टेज नियंत्रण फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, संग्रह क्षेत्र टेपिंग, डी ऑप्शन है। 108 का कौन सा ऑप्शन है, डी। एएलपी, एएलपी क्या हुआ, एएलपी के भाई, चलो 109 नंबर सवाल, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति तक आसानी से बदलाव कर सकती है। तो देखो गति n समानुपाती eb बटा फाई, फाई का मान कम होगा ना तो गति क्या हो जाएगी, ज्यादा, आपको यही टारगेट है, आपको फ्लक्स का मान कम करना है और फ्लक्स का मान कम करते हैं गति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे क्षेत्र नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम गति, अब वार्ड लियोनार्ड है तो मैं फील्ड विल्ड के बारे में चर्चा ही नहीं करूंगा, नहीं तो मैं आपको ये बताता भाई फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर भी क्या होता है, फील्ड को कंट्रोल किया जाता है, फील्ड कम होता है तो गति ज्यादा होती, लेकिन जब शून्य से सामान्य से अधिक गति तक एक आसान बदलाव प्रदान करता है तो वार्ड लियोनार्ड, ये वामावर्त व दक्षिणावर्त दोनों दिशा में शून्य से अधिकतम जो प्रदान करती है वो कौन सी होती है, वार्ड लियोनार्ड। इसमें एक तो मोटर होती है, एक जनरेटर होता है, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, बड़ा बड़ा सिस्टम लगा है वार्ड साहब ने। ऐप में अपडेट का भाई आ गए ना भाई, क्यों कर कुछ के नहीं है तो आ जाएगा भाई, अब मैं कोई धक्का देने बैठा नहीं हुआ, वो तो प्ले स्टोर खुद देगा, हमने तो वहाँ डाल दी पूरी प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर में कई बार डिले हो जाता है इसी कारण नहीं आता तो लेट हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी तरफ से अपडेट डाल दिया, बहुत सारे बच्चों के पास अपडेट आ भी गया है, तो निश्चित रूप से आपके पास भी अपडेट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है हमारा, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, वाइंडिंग में
टेप का उद्देश्य क्या है? स्लॉट को इंसुलेट करें, कोइल को बंद दें, कंडक्टर लपेटें या खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें? वाइंडिंग में जो टेप की जाती है, उस टेप का मुख्य पर्पज क्या होता है? तो ये कंडक्टर को लपेटना होता है, रैप द कंडक्टर। टेप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंडक्टर को लपेटना होता है। क्लियर है? चलो अगला सवाल है, जिस प्रकार डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच या वाई एफ पीछे की पिच या बैक पिच वाई बी से अधिक है, ये कह रहा वाई एफ इज ग्रेटर देन वाई बी, ये फ्रंट पिच है जो बैक पिच से अधिक होती है, वो लैप और वेव तो छोड़ो, आप तो ये बताओ प्रोग्रेसिव होती है कि रिट्रोग्रेसिव होती है? आपके सामने मैं दो ही ऑप्शन देता हूँ, एक है प्रोग्रेसिव, एक है रेट्रोग्रेसिव। तो ये तो हमारे पास किस में होती है भाई? रेट्रोग्रेसिव होती है। जबकि प्रोग्रेसिव के अंदर हमारे पास क्या होती है? वाई बी इज ग्रेटर देन वाई एफ, वाई बी इज ग्रेटर देन वाई एफ, ये प्रोग्रेसिव है। और फ्रंट पिच यदि बैक पिच से ज़्यादा है तो रेट्रोग्रेसिव है, और बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा है तो प्रोग्रेसिव है। लैप वाइंडिंग, ये तो आपके क्या हो जाएगी? लैप है समांतर वाइंडिंग कहलाती है, वेव है श्रेणी कहलाती है। वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? व्हाट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर वीए रेटिंग? वीए रेटिंग में कोर मटेरियल के लिए जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? डायनेमो शीट, कम मिश्र धातु की चादर, उच्च मिश्र धातु की चादर और सामान्य स्टील शीट। क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को वीए रेटिंग अच्छी के लिए कोर सामग्री है। तो देखो एलॉय मटेरियल तो काम लेते ही हैं, लो एलॉय शीट, हाई एलॉय शीट, नॉर्मल स्टील, तो हम उच्च मिश्रित धातु की चादर को ही काम लेते हैं वीए रेटिंग के लिए, कोर की सामग्री के लिए। वैसे इसके लिए जो काम लिया जाता है वो सी आर जी ओ होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये नहीं होता है तो हम सिलिकन स्टील काम लेते हैं, जो कि भी हमारे पास हाई एलॉय में माना जाता है, ये लो एलॉय में नहीं होता है। ये स्टील की नॉर्मल शीट हम काम में नहीं लेते हैं, ने लो एलॉय काम लेते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। सी आर जी ओ क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, ओके अगला सवाल देखो, नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन। चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? कुंडल में घुमाओं की संख्या बदलना, कोयल की श्रेणी संयोजन बनाना, कोयल के समांतर संयोजन बनाना, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, इसके लिए काम में लिया जाए, बताइए भाई जल्दी से। चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों यानी एडजेसेंट पोल, आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? जो पास पास की ध्रुवता है उसमें विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करोगे? चार ध्रुव डीसी है तो आप क्या कहेंगे? नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। यही होता है, तो जल्दी से बताइए कैसे प्राप्त करेंगे? कुंडल में घुमाओं की संख्या को बदलने से, कोयल की श्रेणी संयोजन बनाने से, कोयल की श्रेणी संयोजन या कोयल के समांतर संयोजन या धारा पूर्व अलग दिशा में। ये कर सकते हैं कि यदि मान लो हम धारा की दिशा जो बदल देते हैं, तो यदि मान लो यहाँ धारा की दिशा आपके पास n है, तो सॉरी ये गड़बड़ है, यहाँ बाहर आएगा। अब यदि यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, तो दिशा क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे ही हम दिशा चेंज करते हैं, कुंडली में धारा पूर्वक दिशा चेंज करते हैं, एन और एस क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, बदल जाते हैं ना भाई, एन और एस क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यही पढ़ते हैं,
तो धारा की दिशा को चेंज करके इनको बदला जा सकता है, धारा प्रवाह की दिशा को चेंज करके। यही इन्होंने कहा, पास वाले जो ध्रुव हैं एडजेसेंट ध्रुव हैं, विपरीत ध्रुव कैसे हो गए, तो धारा की दिशा को बदल करके। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया में ये क्रिया हमारे पास जो है वो क्या है? खांचों की सफाई, वाइंडिंग निकालना, वेजेज को हटाना। यहाँ पर आप पीछे हथौड़े से चोट मार के जो ये कर रहे हैं, ये वेजेज हटाने के लिए कर रहे हैं। वाइंडिंग ऐसे नहीं निकल जाती, ये किसके लिए होता है? वेजेज को हटाने के लिए किया जाता है। वाइंडिंग तार काटने ने नहीं, वेजेज जो आते हैं उन वेज को हटाने के लिए, वेजेज को हटाने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखो ध्यान से भाई, हर सवाल को आराम से समझो। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी नमी ने सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? वो मिलीनेक्स पेपर होता है, याद रखना भाई। ये कौन सा पेपर होगा? मिलीनेक्स पेपर होगा। जो मिलीनेक्स पेपर की खासियत है ना, ये नमी नहीं ज़्यादा सोखती, यानी गैर हिग्रोस्कोपी होता है और विद्युत की शक्ति क्या रहती है इसकी? अच्छी रहती है। लेकिन ये नमी को नहीं सोखता है, तो नमी को नहीं सोखने वाला और अच्छी विद्युत शक्ति वाला कौन सा पेपर है? मिलीनेक्स पेपर है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ट्रिप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, प्रोग्रेसिव है, रेट्रोग्रेसिव है। वैसे आपने कल इसको देख लिया होगा, नहीं कल तो लिखा, अभी है ना, ये वाई बी लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था ये वाई बी और वाई एफ के बारे में बताया था। ये है वाई एफ। आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि बैक पिच है वो फ्रंट पिच से बड़ा है। बैक पिच फ्रंट पिच से बड़ा है तो ये हमारे पास कहलाते हैं प्रोग्रेसिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। कौन सी है भाई? तो आप कहेंगे प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। बताइए यदि रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग ले औसत पिच की गणना करें, यदि आर्मेचर के कंडक्टर की संख्या कितनी है? आर्मेचर में चालक कितने हैं? 14। स्लॉट कितने हैं? 7। ध्रुव कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे पास है 14, नंबर ऑफ स्लॉट 7। तो यहाँ प्रत्येक स्लॉट में चालकों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, और पोल प्रति संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 2। और पोल भी हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे पोल भी हमारे पास है 2। सूत्र क्या है, भूल गए हैं? औसत पिच होता है फ्रंट पिच प्लस बैक पिच बटा 2। औसत पिच दोनों पिचों का योग बटा क्या हो जाता है? 2। दिमाग से निकल गया मॉर्निंग में है सुबह सुबह।
ओके रहेगा जेड प्लस माइनस दो बटा क्या आएगा पी, ये रहेगा हमारे पास जेड, हमारे पास कितना 14, 14 प्लस कितना होता है 2 बटा पोल कितना है हमारे पास 2, 14 और 2 कितना हो गए 16, 16 हम 2 का भाग दिया तो 8, और एक होता है, दो होते हैं भाई देखना ध्यान से, एक होता है माइनस का लेते हैं तो जेड कितना होगा 14 माइनस 2 बटा 2, तो ये बराबर 12 बटा 2 कितना होगा 6। ये हमारे पास जो होता है ये प्रोग्रेसिव के लिए होता है, और ये हमारे पास होता है रेट्रोग्रेसिव के लिए। तो प्रोग्रेसिव का पूछता तो आपका आंसर कितना होता है 8, और रेट्रोग्रेसिव पूछता तो कितना है 6, और ये सूत्र होता है जेड प्लस माइनस 2 बट्टा पी, तो प्लस प्रोग्रेसिव के लिए, माइनस के लिए रेट्रोग्रेसिव। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन बी है। खनिज तेल की डायलेटिंग 10 से 16 है, 30 से 40, 30 से 40 है भाई, 30 से 40 है, क्लियर है। अगला बताइए, प्रत्येक शेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। प्रत्येक शेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण है उसको चित्रित किया गया है, जल्दी से बताइए भाई। ओपन कॉइल टेस्ट, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप केस्ट टेस्ट, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। विच टाइप ऑफ इलस्ट्रेट फॉर द आर्मेचर आफ्टर रीवाउंड, रीवाउंड के बाद ये जो बनाया गया है वो किस प्रकार का है, जल्दी से बताओ भाई जल्दी से। ए ऑप्शन आ रहा है खुली कुंडली या शॉर्ट सर्किट का, देखो ये वैसे साफ दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर जो आपका भाग नज़र आएगा यहाँ तो है ही साफ नहीं दिख रहा, तो आपको इसे शॉर्ट कॉइल टेस्ट का माना जाएगा, बट आपको साफ नहीं दिख रहा तो कैसे बता पाओगे, क्लियर इमेज नहीं, बाकी शॉर्ट कॉइल टेस्ट का है। इसका आंसर क्या है, बी है। वार्निश से पहले नए रीवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है, ताकि इसकी नमी को बाहर निकाला जाए, बिल्कुल सही बात है, गर्म करने का कारण यही है, त्वरित सुखाने की मदद, नमी को बाहर तो ही अंदर वार्निश घुसना आसान बनाए, नहीं भाई नमी को बाहर निकालने के लिए। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है, डीसी कंपाउंड मोटर घूर्णन की दिशा बदलनी आर्मेचर की धारा दिशा बदलकर, सही बात है। आपूर्ति टर्मिनलों आपस में बदलने से कोई दिशा नहीं बदली जाती है। क्षेत्र और आर्मेचर दोनों दिशा बदलने से सेम बात हुई तो भी नहीं बदली जाएगी। श्रृंखला क्षेत्र की धारा भी दिशा बदल गए और आर्मेचर धारा भी, आप आर्मेचर की धारा करेक्ट करेंगे। आपको यह कहता है आर्मेचर या फील्ड में से किसी एक ही धारा बदलनी होती है, आर्मेचर या फील्ड में से किसी एक ही धारा बदलनी होती है। अब फील्ड में ये कह रहा है सीरीज क्षेत्र की धारा दिशा बदल, सीरीज क्षेत्र का देखो कंपाउंड है, कंपाउंड है तो सीरीज कैसे कह सकते हैं, आपको सीरीज संड दोनों देखना पड़ेगा, इसलिए आप केवल क्या करोगे आर्मेचर का, इसलिए आर्मेचर करते हैं। श्रेणी मोटर होती तो आपके ए भी सही था डी भी सही था, ठीक है जी। डीसी संट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए, संट मोटर क्या प्रभाव, आपूर्ति टर्मिनल बदलेंगे तो धीमी गति से चलेगा, अरे वैसी स्पीड से चलेगा, तेज रफ्तार से एक ही दिशा में चलता है, उल्टी दिशा में एक ही दिशा में चलता है, उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन है ही नहीं उसमें, यह समझ लीजिए, ठीक है। चलो अगला सवाल, यदि डीसी संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है, यदि डीसी संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो बताइए गति क्या है, चलना बंद हो जाएगा, मोटर सामान्य रूप से चलती है, धीमी गति से चलती है, तेज गति से चलती है, फील्ड वाइंडिंग यदि ओपन सर्किट हो जाए, खुली हो जाए तो इनकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा भाई, बहुत तेज गति से चलेगी, डी ऑप्शन। संट मोटर फील्ड वाइंडिंग यदि ओपन सर्किट है तो गति क्या हो जाएगी,
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर। चलो अगला कह रहा है शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी संट मोटर की गति कम होने का जो कारण है वो कारण क्या है, बताइए भाई जल्दी से। इसको हम वोल्टेज ड्रॉप ही कहते हैं या डुपिंग कहते हैं? ऐसे ये जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? डुपिंग। संट फील्ड करंट बढ़ता है, संट फील्ड करंट घटता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, यही डुपिंग कहलाती है। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना ही क्या कहलाती है? डुपिंग कहलाती है। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। क्लियर। चलो अगला सवाल हमारे पास, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है? खुली कुंडली, लघुपतित, ग्राउंडेड फील्ड या ग्राउंडेड कोर फॉल्ट? वैसे आपको ज़्यादा इस पर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार ये जो भाग लगाया गया, ये खुली ओपन कोइल फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। थोड़ा डायग्राम क्लियरिटी के साथ नहीं है तो ये हमने प्रश्नोत्तरी हल की है, जिसमें हमने डीसी मोटर के प्रश्नों को हल किया है। नेक्स्ट क्लास हम आगे का भाग पढ़ेंगे और अगले चैप्टर को हम हल करेंगे। हम अभी जो कर रहे हैं वो है नीमी के ऑब्जेक्टिव पेपरों का हल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवा रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से हल कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। डेली सुबह 7 बजे ये क्लास होती है, आप इस बात का ध्यान रखें। और रात को 9 बजे जो मैं टेक्निकल हेल्पर का पेपर सोल्ड करवाता हूँ, क्लियर है, इसलिए ध्यान रखा जाए। चलो ओके है, कर लो, इनको नोट कर लो, आगे अगली क्लास मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।